मेरा एज अ मेन गाय मेरा कैरेक्टर है जिसका नाम है जेडी। जेडी ये जैक डेनियल वाला जेडी नहीं है, ये अनलाइक जैक डेनियल ये दारू नहीं पीता, बहुत ही सीधा आदमी है और एक मम्मास बॉय जैसे कहते हैं उस तरह का एक साधारण आदमी है जिसको आफ्टर कॉलेज एक काम ढूंढ रहा है। काम ढूंढने के बाद में दोस्तों के साथ इसकी एक केमिस्ट्री है जो सब डिफरेंट है, चारों के चारों दोस्त बिल्कुल डिफरेंट है अपनी अपनी जगह। वो एक गोवा में एक अपने एक दोस्त के घर में वहाँ पर रहते हैं साथ में, जैसे कि आमतौर पे हमारा एक बैचलर पैड होता है ना, सब चारों दोस्त जैसे साथ में रहते हैं वो एक है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो एक मॉम से बिलीफ आया है हमेशा से कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करता है, तो इसीलिए वो एक तरह से एस्ट्रोलॉजी की वजह से थोड़ा सा वहमी है कहते हैं, बड़ा वहम करता है। तो मॉम फैमिली के अंदर वो अपनी मॉम से बड़ा प्यार करता है और उसने अपनी फैमिली के जो वैल्यूज़ होती हैं घर की वो संस्कारी आदमी है उस हिसाब से। तो लेकिन एक सिचुएशन में जहाँ वो फंसता है वो ये कि संस्कारी होने के लिए ही कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर उसको बचाते बचाते वो कहीं किसी लड़की के साथ फंस जाता है जहाँ पर उसे अब एक जगह सिचुएशन ऐसी बनती है जहाँ कि जैसे हमने देखा होगा इसमें पोस्टर में भी इसके दिया गया है कि दिल की या माँ की सुने, तो कहीं ना कहीं वो फंस जाता है कि ये दिल की सुने या माँ की सुने। कहीं ना कहीं इसे प्यार भी होता है, कोई लड़की भी मिलती है और लेकिन कुछ मोटिव भी अलग होते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर दोस्त भी बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन बचाते बचाते वो अपनी तरफ से दोस्त हमेशा बचाता है कि यार ये बड़ा परेशान दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सोल्यूशन ढूंढता हूँ, जैसे हम दोस्त लोग करते हैं। लेकिन वो दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सिचुएशन ख़राब हो जाती है और वर्स हो जाती है। तो आई थिंक बस यही है, एक सिचुएशनल कॉमेडी है, तो कॉमेडी के साथ साथ एक रोमांस थिंग भी है तो इसे रोमेडी कहेंगे। जी, जैसे कि आपने कहा कि आपका किरदार जो है संस्कारी है, रियल लाइफ में आप कैसे हैं, अगर आप एक लाइन में डिफाइन करना चाहें? संस्कारी हाँ, मम्मास बॉय, एक मॉम को प्यार करने वाला एक मम्मास बॉय वुड बी द राइट वर्ड, वो बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर कॉलेज में आए, कोई मेमोरी ताज़ा हुई आज कॉलेज में आए? कॉलेज में मैंने सुना था अभी कल यहाँ पर रोज डे हुआ था तो मुझे याद है, मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स वहाँ पर DCSE कॉलेज है चाणक्यपुरी में, वहाँ पर रोज़ डे के दिन मुझे याद है कि मैं एक लड़की को रोज़ देने के लिए मैं देना चाहता था और वो लड़की को से मैं इतना घबराता था उस वक्त, होता ही है मैं ऑलरेडी बहुत छाए हूँ, कैरेक्टर में भी बहुत छाए हूँ, वैसे भी बहुत छाए था हमेशा से, तो शायद मुझे वो पुरानी चीज़ें वैसे याद आ गई शूटिंग करते वक्त। तो यहाँ आके मुझे वो फीलिंग याद आई कि रोज़ डे के दिन जैसे मैं गया था उस लड़की को ढूंढ रहा था जिसको मैंने मिलना था, उसका नाम मुझे आज तक नहीं पता लगा, उस लड़की को मैंने रोज़ दिया और मैं भाग गया, तो मुझे इतना डर लगा कि उसे रोज़ देने की पता नहीं क्या होगा, मैं भाग जाता हूँ, मैं भाग गया। उससे बात की मुझसे, लेकिन उससे मुझसे पूछा कि तुम भाग क्यों गए, तो मैंने कहा नहीं बस वो आवाज़ ही नहीं निकली उससे यार। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक लड़की बहुत पसंद आती है लेकिन आप बात नहीं कर पाते, तो सामने आने के बाद आपकी सिटी गुल हो जाती है, तो वैसा मेरे साथ हो चुका है। सो ऐसे ही मुझे एक और चीज़ अभी याद आई, मुझे किसी ने अभी यहाँ बताया रोज़ डे के दिन आई थिंक 300-350 फूल लड़कियों को मिले थे लेकिन 10 या 12 फूल लड़कों को मिले थे, तो उस 5-7 साल पहले जो हालात थे वो अभी भी वही हालात है, लड़कों के साथ हमेशा बुरा ही हुआ है, उनको बेचारों को किसी ने पैम्पर ही नहीं किया आज तक। जी मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि शायद मेरी शक्ल थोड़ी सी उतरी हुई लग रही होगी, ट्रेलर आज लॉन्च हुआ है और कल रात को मैं सो नहीं पाया था, सो आई एम श्योर बाय द टाइम जब रिलीज़ होगी मूवी तब तक मेरी एक्साइटमेंट और आगे जाने वाली है, बढ़ने वाली है। हमारी शुरुआत अच्छी रही थी, आज कॉलेज के अंदर हमारा ट्रेलर लॉन्च था और जिस हिसाब से एक तरह से ये हमारे लिए शगुन था, तो लव शगुन में शगुन ये है, ये मेरी लाइफ में मेरी पहली डेब्यू एज अ मेन लीड गाय इन द फिल्म है। इससे पहले मैंने हवा हवाई फिल्म में काम किया था एज अ सपोर्टिंग रोल, वो परफॉर्मेंस बेस्ड फिल्म थी, तो उसमें साकिब सलीम और मैंने इकट्ठे भाई का रोल किया था, दोनों ब्रदर्स रोल किया था, वो फिल्म बहुत अप्रिशिएट हुई थी। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, इसके अंदर मैंने ये कैरेक्टर उससे बिल्कुल डिफरेंट है, जो मेरी इमेज मार्केट में रही है हमेशा एज अनुष्का के ऑपोजिट या दीपिका के ऑपोजिट, आई वर्क TVC के अंदर मैंने काम किया है, नेविया एड्स के अंदर मैंने काम किया है, डिफरेंट डिफरेंट कमर्शियल्स मैंने किए हैं, सब में मेरा रोमांटिक एक एंगल रहा है। ये एक शाय नर्ड बंदा जो बहुत ही सिंपल सा आदमी है, ये बोलते हुए भी घबराता है, तो आप ऐसा लीजिए कि जैसे अमोल पालेकर एक वक्त में उन्होंने एक पोर्ट्रे किया था कैरेक्टर, तो कुछ उस हद तक, तो एक बहुत ही उस रेफरेंस में बहुत ही डिफरेंट है आपकी जो ये लुक है, ये मेरी लुक नहीं, मैंने खुद शायद आई थिंक मुझे अगले 2 महीने तक ये छिपा तो रहेगा मेरे को लगा हुआ, तो आई थिंक
उससे बिल्कुल डिफरेंट है. तो वो एक इमेज ब्रेक करने के लिए ये फिल्म में आई एम श्योर पीपल वुड अप्रिशिएट. कुछ नहीं तो मूवी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करने करें, बट मैं बहुत इस बात के लिए श्योर हूँ कि मेरे काम के लिए ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि मैंने अपने बहुत दिल से काम किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी. सी लव शगुन का नाम लव शगुन एक फैक्टर उसके लिए क्योंकि डायरेक्टर ने डिसाइड किया, हम कुछ कर नहीं सकते. सेकेंड द लॉजिक बिहाइंड कीपिंग द नेम लव शगुन इज लव शगुन इज बेसिकली इन द एंटायर फिल्म द कैरेक्टर ही इज बेसिकली फाइंडिंग द लव बिकॉज उसके लिए वो इतना ज़्यादा सुपरस्टिशियस है कि वो सुपरस्टिशियस के अंदर वो अपने आप के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है. सो नाउ ही गोज़ टू द पंडित जी. अब उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने दिल की सुनूँ या माँ की सुनूँ. आई बिलीव दिस फिल्म इट्स वेरी रियल फिल्म, रियल इन अ वे दैट सब लोग हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म से. इट्स अ यूथ बेस्ड फिल्म, सब लोग कनेक्ट कर सकते हैं. और जो सिचुएशन इस फिल्म में होती है, मैनी टाइम्स वी कम अक्रॉस दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस वेयर यू हैव टू डिसाइड सर्टन थिंग्स लाइक ईदर यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट और यू हैव टू लिसन टू योर फैमिली. नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू लिसन टू योर मदर. इन माई केस माई मदर इज स्वीट सो इट्स ऑल कूल. बट इन मैनी केसेज समटाइम्स फैमिली प्रेशर होता है, समटाइम्स आपको गर्लफ्रेंड का प्रेशर होता है, समटाइम्स तो आई गेस ये वो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते रहते हैं. मुझे यार बहुत अच्छा लगा ये. दिस इज़ एक्चुअली आई बिलीव बिकॉज सिंस इट्स अ यूथ बेस्ड फिल्म एंड बहुत अच्छा लगा बिकॉज हम लोगों ने फर्स्ट अपना ट्रेलर लॉन्च किया वो कॉलेज से शुरू किया. इट वर मैसिव, लॉट ऑफ पीपल वर देयर एंड दे एक्चुअली सॉ द ट्रेलर. दे ऑल थ्रिल्ड, दे वर चेयरिंग एंड व्हाट नॉट. इट्स अ वेरी गुड फीलिंग व्हेन यू नो यू वर्क हार्ड फॉर अ ईयर. Then you want to present that thing in front of the audience, and when they cheer, they like that stuff. It's a huge high. I mean, it's a good high. हाँ मुझे कॉलेज में यार मैं जब मैं अपने कॉलेज में दिल्ली में जब मैं कॉलेज में था तो हम लोग ऐसे लगते थे. I'm somebody. I have actually hooted in the college also. I was a part of a crowd before, and I know how it feels when you're cheering for somebody else. And now from that crowd, you're coming directly on the stage. And it involved real hard work. It involved real hard work. But finally, you have come to the stage and you're doing something. It feels great. It feels great when your efforts are acknowledged. When your efforts are appreciated, बहुत अच्छा लगता है. आपको सबको अच्छा लगता है. तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है. मुझे सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. एक चीज़ क्या होती है कि आप अच्छे हो तो सब लोग अच्छे. तो यू बी सी सब लोग अपना अपना एक बैगेज लेके आते हैं. सब लोग अपने तरीके से काम करते हैं. बट वंस यू इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. इट्स अ डायरेक्टर्स जॉब दैट ही मेक्स यू फील यू नो यूनाइटेड अमंग एवरीबॉडी. सो संदेश सर ने हम सारे चारों एक्टर्स को और बाकी की हमारे फिल्म में जो कास्ट है हम सबको इस तरीके से ब्रीफ किया. हम लोगों ने इतने रिहर्सल्स किए, इतना सब कुछ हम लोगों ने साथ में शेयर किया दैट व्हेन वंस वी फाइनली वेंट ऑन द डे ऑफ शूट वी जस्ट फेल्ट लाइक वी आर द पार्ट ऑफ अ फैमिली. देयर वर नो इनहिबिशन, देयर वर नो बिकॉज देयर आर केसेस. क्या होता है कि आप डायरेक्टली शूट पर जाते हो तो आपको पता नहीं होता है कि आपके एक्टर्स कैसे रिएक्ट करेंगे आपको लेकर. एंड आपको पता नहीं है यू नो यू ट्राई टू यू हैव दैट इनहिबिशन कि यार दूसरा आदमी क्या सोचेगा यार अगर मैं ये बोलूँगा तो. बट इन दिस वे इट वॉज क्वाइट नाइस कि हम लोग ने इतने रिहर्सल्स और मैं और अनुज हम लोग वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. हम लोग ने साथ में टीवी किया है और साथ में और भी हम लोग बिन गुड फ्रेंड्स एंड स्टफ. हम लोग ने साथ में रिसेंटली परफॉर्म किया था एक 100 साल सिनेमा के जब पूरे हुए थे तब वी परफॉर्म टुगेदर फॉर स्टार प्लस. एंड it's altogether a very good feeling here when you have friends around and when especially when your director is like one of your friends who listens to you and you listens to them. So there's a great positive feeling atmosphere on set where you want to work. You don't feel like you're going on set or it doesn't trust me, I'm not lying, not even for a day we felt that we are going for a shoot. मैं इनफैक्ट डायरेक्टली मैं जर्मनी से जिस दिन हमारा पहले दिन का शूट था उस दिन मैं जर्मनी में था. उस दिन मैं वहाँ पर मैंने 13-14 घंटे काम किया, वहाँ से फ्लाइट पकड़ी, फिर डायरेक्टली सेट पर आया
और मैं अप्रॉक्सीमेटली फॉर 40 hours आई डिडंट स्लीप, 40 घंटे में सोया नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बिल्कुल भी थका नहीं, मुझे ऐसा एक बारी भी नहीं लगा कि यार मैं शायद मुझे काम पे जाना पड़ेगा. तो इट वॉज अ गुड फीलिंग बिकॉज पीपल यू सराउंडेड बाय ब्यूटिफुल पीपल, यू नो दे आर गुड, दे लाइक माइंडेड पीपल, सो इट ऑलवेज फील्स ग्रेट. आप एक्टिंग बेहतर कर सकते हैं, सच में आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं जब आपको मालूम है when people around you are on the same page, you have no inhibition, you just free. Thank you so much. Thank you everybody. Thank you. जाके वॉच कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. लव शगुन द फिल्म इज बेसिकली इट्स अबाउट फ्रेंडशिप, इट्स अबाउट रिलेशनशिप, लव, एंड इट्स अ वेरी फ्रेश काइंड ऑफ अ स्टोरी. और यहाँ पे जैसे हर एक कैरेक्टर के आपस की रिलेशनशिप के बारे में इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया है, और हर कोई किसी ना किसी कैरेक्टर से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकेंगे. और इस फिल्म में मैं जो किरदार निभा रही हूँ वो उसका नाम है शमा, and she is a very cute, innocent और बहुत ही फनी टाइप ऑफ कैरेक्टर है. मतलब उसको नहीं पता है कि वो फ़नी है, बट लोग जब उन्हें देखेंगे तो उनको हंसी आ जाएगी. वो बहुत प्यारी और बहुत ही भोली भाली लड़की है. वैसे है तो वो बाल डांसर, बट बिल्कुल वैसी दिखती नहीं है. और उसके मूवी में आने से उसके जो चार फ्रेंड्स हैं, जो चार लड़के हैं, उनके लाइफ में आने से उनके लाइफ में कितना कंफ्यूजन क्रिएट होता है. जेडी के लाइफ में जैसे वो आती है तो जेडी के लाइफ में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है, और अलग अलग सिचुएशंस, फनी सिचुएशंस क्रिएट होता है. तो वही मेरा कैरेक्टर है, एंड इट्स अ वेरी नाइस एंड फन मूवी. आई लव शूटिंग द फिल्म. हाँ बिल्कुल, एक्चुअली बहुत मतलब जो क्लासरूम्स देखा और कॉरिडोर्स और ये सब से जैसे मैं गुजरी, तो डेफिनेटली बहुत सारे मेमोरीज आ गए अपने कॉलेज के. आई वांट टू लिव दोज डेज अगेन, बट आई नो दैट्स नॉट पॉसिबल. इट वाज अ फन इवेंट टुडे. थैंक यू. फिल्म में मेरा जो रोल है, बिकॉज इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, बहुत यूथ ओरिएंटेड है, तो मैं जो रोल प्ले कर रही हूँ उसका नाम है मून. मून इज़ वन काइंड ऑफ अ गर्ल जो कि यूजली आप यूथ में देखते हो कि गर्ल्स अपने बॉयफ्रेंड को लेकर बहुत पजेसिव हो जाती हैं, यू नो सब कुछ मेरे को टेंशन होना चाहिए, पर उस प्यार को फिर भी मेंटेन करना फ्रॉम द गाइज साइड ऑल्सो. सो दिस इज़ वॉट मून इज़ डूइंग इन द फिल्म. सो द डिफरेंट पार्ट्स कि कितना कन्फ्यूजन है, मैसअप होता है, देन शी हैज़ दैट पंजाबी टेंज ऑल्सो टू से हर थिंग्स. सो दिस इज़ द वे वॉट मून इज़ डूइंग. बहुत 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 एक्साइटमेंट है, इसलिए हम यहाँ हैं प्रमोट करें. 26 फेब को ज़रूर 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 देखने चाहिए लव शगुन. एंड आई एम वेरी श्योर नॉट ओनली यूथ, एल्डर्स, यंगस्टर्स, किड्स, एवरीबडी इज़ गोना लव इट. थैंक यू.
कैप्टन ऑफ द शिप को क्या कहना चाहिए, किस तरह की फिल्म है और स्टार कास्ट किस तरह से? कैप्टन ऑफ शिप अच्छा लगता है ये जिम्मेदारी सुनकर, बट इट्स अ टीम एफर्ट, सभी लोगों ने साथ में काम किया है, बस मैं वहाँ था इस चीज़ को हाँ या ना अप्रूव करने के लिए, बाकी सभी लोगों ने काम किया, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ। और एक्टर्स में हमारी कोशिश थी कि फिल्म एंटरटेनिंग रहे, टाइम में ख़त्म हो, और हम लोग थिएटर से हैं और तो उस हिसाब से थिएटर के लोग और सब लोग जो थे जिस हिसाब से हम लोग रियाज करके काम करते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है जहाँ हम काम कर रहे हैं, इट इज़ काइंड ऑफ अ स्मॉल रेपेट्री जहाँ पे सभी लोग मिलके काम करते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट कि एक फिल्म का वैसा है, बट हम लोग सभी मिलके सब काम करते हैं, जैसे इस बार फिल्म मैंने डायरेक्ट की, हो सकता अगली बार ये डायरेक्ट करें, मैं एक्ट करूँ, सो इट इज़ काइंड ऑफ अ रेपेट्री वेर वेरी हेल्दी एटमोसफियर इज देयर, तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, है भी तो सबका हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा, होगा भी तो ऐसा होगा कि यार ये रोल मैं ज़्यादा अच्छा करूँगा या कौन ज़्यादा अच्छा करेगा, तो इट इज़ अ टीम एफर्ट विद द बेसिक ट्रेंड्स ऑफ थिएटर। बेसिकली द आइडिया इज टू मेक अ गुड प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट वी ऑल सेट आउट टू डू, एंड इन दैट ही जस्ट गिव मी अ कॉल एंड ही सेड दैट यू नो दैट इज स्मॉल बिट दैट आई वांट यू टू डू, आई सेड बाय ऑल मींस एनी टाइम, एंड बीइंग अ फ्रेंड एंड बीइंग इट्स लाइक फैमिली वी टुगेदर for years now, and I've known him grow not only as an actor but as a writer, as a director, and I wouldn't have missed this opportunity to be a part of his film, though in a very small capacity, but it's always good to contribute your might to something which is in the process of growing and getting better and becoming a big player, maybe inshallah, you know, in the future. Tell us about your character. What is my character is that of the boss of the protagonist, and I just come in between to give him a bit of a gyan about love, and that's it, and it comes at an important juncture, I think, and it's just that, it's just a very friendly guest appearance of one scene. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैं खुद नर्वस था जमील भाई से सब पूछने के लिए, he said yes, तो मतलब he trusted me for the first time, क्योंकि as an actor मैं इतने साल काम किया हूँ, nobody has seen me working as a director, so वो जो फिल्म में भी दिखता है, it is about friendship. It is not about whoever achieved what, who is doing what. It is about friendship. जब दोस्त कर रहा होता है, सारे साथ खड़े होना ज़रूरी है, और इस फिल्म में भी वही मोटिव भी है. So whatever we are, actually, it is there in the film. कि दोस्ती ज़्यादा ज़रूरी है, रिश्तों में भी दोस्ती ज़्यादा ज़रूरी है, इवन हस्बैंड वाइफ में भी दोस्ती पहले है आज की डेट में. So अगर चीज़ें एक अच्छी सोच, win-win सिचुएशन से अगर दोस्ती समझ के की जाएंगी तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, नहीं तो चेस तो चलती रहती है, पर दोस्ती है जो आपको उस चेस से सर्वाइव करके ले जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अगर मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा जो कॉलेज लाइफ की कुछ यादें ताज़ा हुई आज कॉलेज में आकर. यस, ताज़ा हुई, मैंने नीचे भी लोगों को यही बोला था कि हमारे सारे जो सपने गढ़ते हैं, जो सब सारे सपने बनते हैं, वो स्कूल कॉलेज में होते हैं. बचपन में तो बहुत वेग होते हैं कि हम हर चीज़ सोचते हैं कि हम पायलट भी बनेंगे, तो हम ढोल वाला भी बनेंगे, तो हम हर चीज़ बनेंगे, बट स्लोली इट शेप्स अप. तो हम जब स्कूल में जाते हैं, देन वी डिसाइड कि अच्छा मुझे थिएटर करना है, कि मुझे NCC करना है, सब कुछ किया, देन कॉलेज में आके हमारा वो स्ट्रक्चर थोड़ा और क्लियर होता है कि वेयर एक्चुअली वी वॉन्ट टू गो. सो कॉलेज में आने के बाद यही चीज़ थी कि वो सपना जहाँ से रियलाइज होना शुरू हुआ था, द सेम प्लेस, दैट इज़ वाई वी चोज अ कॉलेज टू डू दिस इवेंट, और हमारा सबसे पहला इवेंट यहाँ से शुरू करने की कोशिश की, ताकि वो यूथ, वो एनर्जी हमारे पास आए, क्योंकि लाइफ की जद्दोजहद के बाद व्हेन यू वांट टू कम अप विद थिंग्स, सो एनर्जी बहुत ज़रूरी है, वो दोस्तों की वो फ्रेशनेस बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. और आमतौर पे लव की शुरुआत जो होती है वो स्कूल कॉलेज से ही होती है, तो इससे ज़्यादा बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती थी लव का, एक शगुन जो है लव का, वो यहाँ से शुरू करने के लिए. और ज़िंदगी में लव फॉर एनीथिंग, लव आइदर रोमांटिक फॉर योर पार्टनर और लव फॉर योर वर्क, फॉर एनी फील्ड दैट यू आर गोइंग टू गो इनटू, इट ऑल स्टार्ट्स हियर, सो व्हाट बेटर प्लेस देन दिस टू स्टार्ट योर फिल्म विद. Thank you so much.